सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप यादव आपका मेरे इस चैनल द नॉलेज अड्डा में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की। बेसिकली मैं आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल से भी किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसको जहाँ चाहें वहाँ सेंड कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में आप उसे सेव कर सकते हैं। चाहे वो फॉर्मेट PDF हो, चाहे वर्ड हो, चाहे PPT हो, या इमेज की फॉर्मेट हो, जिस फॉर्मेट में चाहें उसमें आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है ऑफिस लेंस। मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये एप्लीकेशन देख लगे, जस्ट इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद जस्ट हमने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वाइट कलर में, बेसिकली ये दिखा रहा है कि इस एरिया को स्कैन करना है। जो एरिया ये कवर कर रहा है उसी एरिया को स्कैन करेगा। अब इसको हमने क्या किया, इस एरिया को हमने कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे पिन बना हुआ, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो आपकी एक्चुअल इमेज थी, बिजनेस कार्ड, और यहाँ पे वाइट बोर्ड में पूरी डिटेल आपकी वाइट हो जाएगी। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शन है जिसमें आप इमेज को सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, एक्चुअल इमेज में भी कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो हमने फ़ोटो ले रहे थे, जो भी हमने कैप्चर किया, उस समय इसका डायरेक्शन सही नहीं था। मीन्स जो भी हमारी इमेज थी मैं उससे दूर से ले रहा था, लेकिन जैसे ही हमें कैप्चर करने के बाद इसमें देखते हैं तो आपको ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एकदम फिट दिखता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्प करने का ऑप्शन है। जैसे आप इमेज को चाहें वैसे आप कार्प कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको थोड़ा सा कार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कार्प हो गया। तो इसमें आप उसको कार्प भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए सेव करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट गैलरी होता है जिसमें आप इसको सेव करेंगे, तो ये बेसिकली क्या है कि इमेज के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। बट जब बात आती है इन फॉर्मेटों की PDF में, पावर पॉइंट, वर्ड में सेव करने के लिए, तो इसके लिए आपका ऑफिस में एक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑफिस में अकाउंट क्रिएट करो। उस ऑफिस से बेसिकली क्या कि जैसे मैंने PDF पे क्लिक किया, जैसे मैं आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो बेसिकली वहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। उस समय उस यूजर नेम, ऑफिस का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं है, आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, एक अपना ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए, या जो आपने क्रिएट किया रखा है उसी से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। सेम अकाउंट को यहाँ पर यूज कीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर PDF सिलेक्ट किया, मैंने इसको ओके प्रेस किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख रहा है ट्रांसफरिंग, मीन्स जो भी हमारा इमेज था वो हमारा PDF में कन्वर्ट हो रहा है। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पर टैप टू ओपन, हमने इसको ओपन किया, मीन्स जो आपने इमेज ली थी वो ऑलरेडी PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया, अब आप देख सकते हैं कि ये इजली ये डॉक्यूमेंट आपका स्कैन हो चुका है। अब जिसको आप इसको सेंड करना चाहें उसको इजली आप सेंड कर सकते हैं। तो इससे जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, सपोज़ देखिए मैं अब इस क्या है इसको इतनी दूर से ले रहा हूँ, फिर मैंने इसको सेव किया, कैप्चर किया है, उसके बाद देखिए इमेज हमारी एकदम सीधी आ रही है, टेढ़ी नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप इसको, जैसे मैंने गैलरी पर क्लिक किया, मैंने इसको ओके किया, तो गैलरी में सेव करने के लिए कोई अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको कन्वर्ट करने की बारी आती है, जैसे PDF हुआ, जो भी हुआ, जैसे PDF, PPT, उसमें अगर सेव करने की बात आती है, तो उस समय उस केस में जैसे वन नोट, वन ड्राइव, वर्ड, पावर पॉइंट, PDF, उस समय आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट किए इजली किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट आप सेव कर सकते हैं, जिसको सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।